अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये व्लॉग मेरा थर्ड रमज़ान को जो है अपलोड होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जो मैं आप लोगों को साथ में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या सिचुएशन थी मेरा व्लॉग सेकंड डे थर्ड डे क्यों नहीं आया। एज यूजुअल हर रमज़ान की तरह इस बार भी अम्मी टाइम से ही उठी, उन्होंने मुझे उठाया और मैंने उठने के साथ ही अपनी सिस्टर को उठाया कि भाई उठ जाओ, सहरी का टाइम होने वाला है। तो एज़ यूजुअल अम्मी किचन में सहरी तैयार कर रही थी, पेड़ी वगैरह बना रही थी और मैंने जाके ना सबके लिए सहरी बनानी थी। तो काम उसी तरह प्रॉपर हो रहा था, नाश्ता वगैरह सबके लिए बना रहे थे मैं और अम्मी। इसी दौरान जब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, अफ्तारी मुकम्मल कर ली और अजान का टाइम हुआ, तो मेरे भाई ने वज़ू किया और वो सीधा नमाज़ पढ़ने गए। नमाज़ पढ़ के जब वो वापस आए तो वो बताते हैं कि भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत ना बहुत क्रिटिकल है। और वो बहुत आराम आराम से बता रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ है, रात को 11 बजे हुआ है, यानी कि चांद रात जिस दिन रमज़ान का हमारा चांद नज़र आया था उस रात उसका जो है एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ख़तरनाक है। उसको ब्रेन पे भी चोट लगी है, उसके जो जबड़ा है ये भी जो है टूट चुका है और दांत सारे टूट गए हैं, इतनी बुरी हालत है। और हम सब के सब इतने ज़्यादा परेशान, और बाय मिस्टेकली किसी ने भी ऐसे जैसे अफवाहें फैलती रहती हैं इसी तरह ही उसमें किसी ने ये भी कहा कि उसकी जो है ना एक वेन वो भी कट गई है, यानी कि नस। तो अब हम और ज़्यादा मतलब कि हमारे रोने नहीं बंद हो रहे थे कि सब के सब परेशान थे। मामू का ये बेटा वो बेटा है जिसको बचपन में इसको जो है गुर्दों का इशू हुआ था, किडनी का प्रॉब्लम हुआ था और किडनी की वजह से ना ये पूरा स्वेल हो गया था, बहुत ज़्यादा फूल गया था। उस वक्त भी ऐसे ही था, ये एक हादसा था इसके साथ हुआ था और अल्लाह ताला ने इसको एक नई ज़िंदगी दी थी और ये सेकेंड हादसा इसके साथ हुआ है। तो हम सब बहुत परेशान थे, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन हम सब ने वेट किया। जब हमने कॉल की तो पता चला कि भई इनका जो है ना तकरीबन 10 बजे तक इनका जो है ऑपरेट होगा ब्रेन का, तो डॉक्टर सुबह के टाइम आएंगे। तो ये तब तक हॉस्पिटल में ही थे, हम सुबह तक दुआएं करते रहे कि अल्लाह ताला को कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है सुबह 10 बजे इसका ऑपरेशन हुआ और हमें 11 बजे तक कॉल आई कि अल्लाह ताला ने इसको एक नई ज़िंदगी दी है। ये एक मतलब कि एक मौजज़ा है कि सड़क पर जाकर गिरा है, ये बहुत बुरा लगा है, लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने जिसकी लिखी हुई होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी रखी और डॉक्टर्स ने अभी ही कहा है कि 4 to 5 months अभी रिकवर होने में लगेंगे। तो आप लोगों से दुआ है कि रमज़ान में अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम जब भी नमाज़ पढ़ें तो मेरे कज़िन के लिए दुआ करें। ये मेरे कज़न है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत था और अब देखें इसकी हालत। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा।